Hey, welcome back to our channel. In today's video, I will tell you how to enable virtual RAM storage. यानी कि इस फोन में वर्चुअल रैम मेमोरी कैसे बढ़ाए। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ फाइंड कीजिए रैम एक्सपेंशन। आप इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा रैम सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाइए, नेक्स्ट अबाउट डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अबाउट डिवाइस में आपको इस फोन के रिलेटेड बहुत से डिटेल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रैम ऑप्शन पे टैप करेंगे। दोस्तों 64GB इंटरनल स्टोरेज में आप रैम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। रैम बढ़ाने के लिए इंटरनल स्टोरेज मिनिमम 128GB होना चाहिए। तो पहले रैम एक्सपेंशन फीचर्स को टर्न ऑन कीजिए। इसके बाद आपके डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से 6GB या 8GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। रैम एक्सपेंड करने के बाद फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट का मतलब है फ़ोन स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। उसके बाद आपके फ़ोन में वर्चुअल रैम स्टोरेज ऐड हो जाएंगे। अब इस डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज का कुछ हिस्सा वर्चुअल रैम ले लिया। एग्जांपल, पहले इस फ़ोन में 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज था, जिसमें 26GB भरा हुआ था। अब रैम हो चुका है 10GB एंड इंटरनल स्टोरेज में हो गया 30GB। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज को वर्चुअल रैम बना के इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।